अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर सेकंड ईयर का जो सेकंड लेसन है, यूजिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। ये लेसन, ये जो ऐसे है, ये दो राइटर्स की कंट्रीब्यूशन है, डेरल बर्नार्ड और लॉन एडवर्ड नामी दो राइटर्स ने इसके ऊपर लिखा है। बच्चों, इस लेसन में हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन जो है उसको हम देखेंगे, फिर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो देखेंगे कि बोर्ड्स में, और जो इसकी एक्सरसाइज है वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते रहे हैं, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं, जो आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। इस लेसन में बेसिकली जो राइटर्स हैं वो हमें भी ये बताना चाहते हैं कि बाई यूजिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड्स हमने किस कदर जो है ना अपनी लाइफ को बेटर किया है। ज़िंदगी के हर शोबे में साइंटिफिक मेथड्स की वजह से, बाई यूजिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड्स हमने अपनी लाइफ को कैसे प्रमोट किया, कैसे इन्हेंस किया, और कैसे हमने लग्जरी की तरफ हम गए। तो इसमें राइटर जो है इसको तीन चार पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हम इसको, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके साथ मैं कर दूं कि राइटर्स का जो मेन मोटिव है इसके अंदर है क्या। वो बेसिकली दिस इज़ एन इंफॉर्मेटिव एंड नॉन फिक्शनल एसे बाय डेरल बर्नार्ड एंड लॉन एडवर्ड। द राइटर्स हैव एक्सप्लेन द वेज आवर लाइव्स हैव बीन चेंज्ड बाय यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। द राइटर्स टेल दैट वी हैव ग्रेटली benefited from the use of scientific method. We have had a better control of disease. Science has discovered the cause of disease. We are now given vaccines against the disease. The new diagnostic method have helped us treat many diseases. As a result, our lives chances have increased. यानी कि इस lesson के अंदर वो दो तरह की चीज़ें कहता है। एक साइंस के रेवोल्यूशन से पहले की लाइफ कैसी थी, इंसान कैसे रहता था, और साइंस की रेवोल्यूशंस के बाद की जो लाइफ है, आज के इंसान का लाइफस्टाइल कैसा है, उसके ऊपर डिस्कस करता है। उसके अंदर फर्ज कर लें, मेडिकल की बात करता है, फिर फूड के ऊपर बात करता है, ठीक है, फिर बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, बेटर एटीट्यूड्स की, रवैयों की, थिंकिंग की बात करता है, बेटर सैनिटरी कंडीशंस, निकासी आप कैसा था, पहले कैसा था और अब कैसा है। तो ये डिफरेंट जो है ना पार्ट्स ऑफ लाइफ को वो कंपेयर और कंट्रास्ट करता है, साइंस से पहले वाली लाइफ के बारे में और साइंस के आने से बाद वाली लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वो बात करता है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, कि हमने बढ़ती हुई बीमारियों का बाय यूजिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड कैसे उसको कंट्रोल किया। राइटर इसके अंदर कहता है कि लाइफ जो थी सबसे पहले अनसर्टेन थी, यानी कि जो साइंटिफिक मेथड से पहले जो बीमारियों की हालत थी वो ये थी कि अगर कोई बच्चा पैदा होता, 8 में से 7 बेबीज अपनी पहली बर्थडे से पहले पहले मर जाते। क्यों? कि ऐसी खुफिया बीमारियां थी जिनकी जो अभी तक डायग्नोज नहीं हुई थी, वो उन जिनके सामने डिफ्थेरिया थी, काली खांसी थी, बुखार था, हैजा था, काले चेचक थी, इस तरह की दूसरी बीमारियां थी, लेकिन By using of scientific method वो कहता है हमने इन बीमारियों को डायग्नोज किया, फिर इसकी हमने जो है ना क्या किया, इसको कंट्रोल किया, और लाइफ इंसान की जो लाइफ थी उसको इंक्रीज कर दिया, यानी कि जो एवरेज लाइफ थी उसको बढ़ा के हम 70% इसने और इंक्रीज कर दिया। जो लोग 30 साल की उम्र मरते थे वो उसकी लाइफ 70 साल हो गई। यानी कि ये साइंटिफिक मेथड की वजह से हमने बेहतर तरीके से बीमारियों को डायग्नोज किया, फिर उसकी वैक्सीन्स तैयार की, और इंसान की लाइफ को अनसर्टेनिटी से निकाल के सर्टेनिटी की तरफ ले गई, यानी कि यकीनी सूरत हाल हो गई। तो आज आप देखते हैं, हम शुरू से ही बच्चे की पैदाइश
कि शुरू से ही उसको हम इंजेक्शन जो है ना लगाते हैं और मुख्तलिफ वैक्सीन्स के थ्रू हम जो बीमारियों की जो वैक्सीन्स हैं वो इंजेक्ट करते हैं। तो सबसे इनकी हमने सबसे ये देखे इस पोर्शन में देखा कि बीमारियाँ कैसे डायग्नोज की, लाइफ जो अनसर्टेन थी उसको सर्टेन बनाया, ठीक है, और साइंटिफिक मेथड की वजह से हमने इसको बेहतर तरीके से कंट्रोल करके लाइफ इंसान की लाइफ को इंक्रीज़ किया। जो दूसरा पोर्शन है वो कहता है बेटर सैनिटरी कंडीशंस, यानी कि निकासी आब का जो सिस्टम था वो साइंटिफिक मेथड्स के इस्तेमाल करने से पहले कैसा था और अब कैसा है, साइंस के रेवोल्यूशन के बाद, और इंसान ने किस हद तक अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया इस फील्ड में भी। कहता है ओनली 100 years ago, यानी कि 100 साल पहले की अगर हम बात करें, आवर सिटीज फेस न्यूमरस सैनिटरी प्रॉब्लम्स विच हैव बीन एड्रेस्ड बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स, यानी कि 100 साल पहले की बात करता है कि अब हम दूर की बात नहीं करते, पाकिस्तान को ले लीजिए कि चंद साल पहले हमारा जो निकासी आपका सिस्टम था किस कदर ख़राब था, किस कदर गंदा था, जो हमारी नालियां हैं बिल्कुल बंद पड़ी होती थी, कोई नाला सिस्टम नहीं था, ठीक है, गटर उभर रहे होते थे, तो जो पानी गंदा था वो गलियों में जो है ना लगा रहता था, ठीक है। तो ये सूरत हाल बता रहा है कि साइंस से पहले कैसी सिचुएशन थी हमारी, मतलब गलियों की, नालियों की वगैरह। लेकिन कहता है टूडे आवर सिटीज़ आर पेव्ड, लेकिन हमारी आज जो गलियां हैं वो पेव्ड हैं, वेल ड्रेन्ड हैं, एंड दे आर क्लीन रेगुलरली, और जो पहले कभी गलियां साफ हुई नहीं थी आज एक डिपार्टमेंट है इनकी सफाई के लिए। अ सेंचुरी गो इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस इन मैनी सिटीज़ बाय बकेट फुल फॉर हाउस होल्ड यूज़, ठीक है, इनके पहले पानी कहीं निकास नहीं था होता, आज पानी का निकास भी हुआ और उसको प्रॉपर तरीके से मतलब उसकी सही जगह पहुंचाया जाता है, ठीक है। फिर उसके आगे और साइंटिफिक मेथड्स हम इस्तेमाल करके उसको दूसरे इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन जहां गंदे पानी के निकास का सिस्टम था, इसके साथ साथ साफ पानी का निकास का सिस्टम था कि इनके पहले क्या होता था, साफ पीने के लिए हमारे पास पानी नहीं था, ठीक है, दूर दराज कहीं कुएँ होते थे, वहाँ से बाल्टियों के ज़रिए, मशकीज़ों के ज़रिए या दूसरे ज़रिए से पानी लाते थे लोग, या तालाब होते थे सहराओं में या मतलब किसी दूसरे इलाकों में, तो होता क्या था, वहीं मतलब वहीं से उनके जानवर पानी पीते थे, ठीक है, और वहीं से इंसान पानी पीते थे। अगर बारिश होती तो उनका जो जानवरों का और इंसानों का फजला होता वो भी बारिश के साथ बहता हुआ उस तालाब में आ जाता, कपड़े भी वहाँ से धोने, पानी भी वहाँ से पीने और जानवरों ने भी पानी वहाँ से इस्तेमाल करना है। तो आप सोच सकते हैं कि वो पानी कितना गंदा था और किस कदर इंसान के लिए मज़रे सेहत था। लेकिन आज का जो इंसान है उसने साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए एक यानी कि एक सील्ड पाइप के थ्रू दूर दराज के एरिया से पानी ला के अपने शहरों को प्रोवाइड किया और वह पानी की क्वालिटी भी बेहतरीन है। वो कहता है वाटर हैड टू बी कैरीड कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्राम द वेल टू द होम, इट वॉज देयर फॉर यूज वेरी स्पेरिंगली फॉर क्लीनिंग पर्पसेज, टाउन्स एंड सिटीज टूडे हैव वाटर सिस्टम दैट यूजली प्रोवाइड इनफ फॉर हाउस होल्ड यूज़, यानी कि पहले अगर वो बाल्टियों में पानी भर के लाते थे तो बड़ी कंजूसी के साथ, ठीक है, बड़ी किफ़ायत शारी के साथ जो है पानी इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे पास इतना पानी होता है कि हम अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकें, वाफर मकदार में हमारे पास पानी होता है। यानी कि देख लें हर शहर में जो है ना साफ पानी के जो सिस्टम्स हैं वो बने हुए हैं, कोई ऐसा शहर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आइडियाज़ किसने दिए, हमें साइंस ने दिए, और हमने इसी वजह से हमने साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए इस फील्ड में भी राइटर कहता है इंसान ने काफ़ी हद तक जो है ना अपनी लाइफ को अच्छा बना लिया। नेक्स्ट जो मतलब पॉइंट है वो कहता है मोर फूड एंड बेटर फूड, ज़्यादा खाना और बेहतर खाना। इसके अंदर वो बात करता है तीन चार मतलब इसके अंदर पॉइंट्स होंगे। कहता है चेंजेस हैव टेकन ईटेबल हैबिट्स, अ वैरायटी ऑफ फूड थ्रू आउट द ईयर,
Regardless of where people live today, they can obtain some fresh fruits, meats and vegetables. Preservation of food. Through various scientific methods or nutritious and enjoyable. यानी कि सबसे पहले कहता है कि मोर फूड. पहले क्या होता था, हमारी जो पैदावार थी वो बहुत कम थी. ठीक है, क्यों? कि हमारे पास अच्छे तरीके से हल चलाने के मेथड्स नहीं थे. हमारे पास जो डिफरेंट खाद्य वगैरह जिसे कहते हैं हम फर्टिलाइजर्स, हमारे पास नहीं थी. ठीक है, और ना हमारे पास मॉडर्न तरीके से कल्टीवेशन के जो है ना टूल्स थे. तो एक यही बात करता है, उसके बाद कहता है फिर खाना कम, यानी कि कम खाना था. ठीक है, और इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं था, इनके इतना ज़्यादा वो भरपूर नहीं था गजाइयत से. फिर कहते हैं हम जिस साल में हम रहते, जिस साल में हम रहते हैं, इन जिस सीज़न में हम रह रहे होते हैं, हमें उसी सीज़न की जो सब्ज़ियाँ और जो अजनास ही वो खानी पड़ती थी. ठीक है, और फिर कहते हैं हम उन फूड्स को, उस सीजनल फूड्स को प्रिजर्व नहीं थे कर सकते. ठीक है, फिर हमारे पास अगर उसको स्टोर करने के लिए कोई ऐसी, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था. अगर चंद दिन वो सब्ज़ी या कोई अनाज पड़ी भी रहती तो गल सड़ जाती. ठीक है, इतनी वो न्यूट्रिश, यानी कि उसके अंदर इतनी वो ज़ाइत ना होती और ना उतने तरीके से हम उसे उतने इन्जॉयबल तरीके से हम खा सकते थे. लेकिन कहते हैं बाई यूजिंग ऑफ साइंटिफिक मैथड्स, साइंस की मदद से हमने अपनी खुराक को दुगना किया. मोर फूड, यानी कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाई. आप देखते हैं हर जो मतलब किसान है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि हमारी हर फसल में जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो. अब आज हमारे पास एक साइंटिफिक सिस्टम है. ठीक है, ज़राअत के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर हम अच्छे तरीके से उसको काश करते हैं. हमारे पास एक अच्छा सिस्टम है फर्टिलाइज़र्स का, और फिर हम जिस तरह फसल काटते हैं और उसको हम महफूज करते हैं, और थ्रू आउट द ईयर, ये नहीं कि अब ये नहीं होगा होता अब इस अब कि हम सीजनल जो है ना सब्ज़ियाँ, सीजनल जो है ना अजनास खाते हों. नहीं, हम थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर हम जो है ना चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कि अब देखें ना, हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग है. आज हमारे यहाँ गर्मियाँ हैं फ़र्ज़ करें, तो दुनिया के दूसरे कोने में सर्दियाँ होंगी, तो सर्दियाँ जो विंटर सीज़न की जो मतलब अजनास होगी वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपने ममालक में, और यहाँ की जो मतलब अजनास हैं वहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. और थ्रू आउट द ईयर हम हर जो मतलब अजनास है, हर जो किस्म है फूड की, हम उसको इंजॉय कर सकते हैं, और पूरी गजाइयत के साथ. ये नहीं है कि हम गली सड़ी सब्जियाँ, यानी कि हमारे पास स्टोरेज का सिस्टम अच्छा है. हम उनको केनिंग के थ्रू, ठीक है, हम उनको अब देखें ना, दो जो है जो मिल्क है, पहले हम जो फ्रेश मिल्क था वही इस्तेमाल कर सकते थे. आज हमारे पास बंद डिब्बों में दूध आता है और पूरा साल हमारे पास दस्तयाब होता है. हम अचार को, ठीक है, मुख्तलिफ मसाला जार डाल के हम उसको कर लेते हैं, फिर हम केनिंग करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं. ठीक है, हम मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना खाने को महफूज कर सकते हैं. फिर कहते हैं हमारे पास खाने में वैरायटी बड़ी आ गई है. पहले हमारे पास जस्ट ये था, गंदम थी जो थे या दूसरी जो फल वगैरह थे, हम वो सिंपल तरीके से उनको इस्तेमाल कर सकते थे अपने सीज़न में. लेकिन नहीं, कहते आज खाने में वैरायटी है. ठीक है, आज वैरायटी है खाने में, और हर इंसान खाने में वैरायटी को पसंद करता है. ठीक है, आज आपके पास देखें कि मतलब जो एडवांस फूड्स हैं, ठीक है, जिसे आप फास्ट फूड भी कहते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह, ठीक है, इस तरह की वैराइटीज़ आ चुकी हैं. हालांकि मतलब वही चीज़ें हैं जो हम पहले खाते थे, लेकिन हमने रिसर्च और नई रेसिपीज़ बना के इंसान को खाने में वैराइटी दी. तो ये थे मोर फूड एंड बेटर फूड के हवाले से वो बात करते हैं. फिर इसका जो इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है उसको मैं समराइज़ करूँगा. कहता है बेटर एटीट्यूड, बेहतर रवैये. इसके अंदर वो बेसिकली बात करता है एटीट्यूड का मतलब क्या है. ठीक है, फिर वो इसके अंदर एक सुपरस्टिशियस बिलीफ्स की बात करता है कि तोहम प्रस्ती क्या है, तोहम प्रस्त लोग क्या, कौन हैं और वो क्या सोचते हैं, और इन सुपरस्टिशियस
बिलीव्स के ऊपर हमने कैसे काबू पाया, इसके अंदर वो तीन चीज़ें डिस्कस करता है। सबसे पहले कहता है एटीट्यूड मीन्स द वे वी फील आर थिंक अबाउट एन आइडिया आर इवेंट, यानी कि हमारी सोच हमारा रवैया क्या होता है किसी भी आइडिया को लेके या किसी भी इवेंट को लेके। इट इज़ बेसिकली बिलोंग्स टू हेयर, यानी कि आप सोचते क्या हैं, आपकी थिंकिंग जो आपकी जो थिंकिंग पावर है, थिंकिंग एटीट्यूड है, वो बेसिकली आपका आपके एटीट्यूड को ज़ाहिर करता है, आपकी सोच को ज़ाहिर करता है, ठीक है। फिर कहता है बेसिकली साइंस के मेथड, साइंस की डिस्कवरी से पहले इंसान क्या सोचता था और आज क्या सोचता है साइंस के रेवोल्यूशंस के बाद। बेसिकली हम देखते हैं जो सुपरस्टिशियस बिलीव थे, तोहम प्रस्ती वाले जो ख्याल थे, लोग बड़े सिंपल थे, सादा थे। अगर किसी इंसान को कोई बीमारी लग जाती तो लोग समझते शायद जो है ना इसको किसी कुछ साया हो गया, कुछ जिन वगैरह इसके अंदर हैं, कुछ चुड़ैले वगैरह इसके अंदर हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बाहर की चीज़ ने इसके ऊपर अपना काबू पा लिया है, जैसे एक एपिलेप्सी बीमारी होती है, ठीक है, जिसे हम उर्दू में मिर्गी कहते हैं। तो हाँ, हमारे देखने में, हमारे कल्चर में ऐसा होता था कि लोग समझते थे कि शायद जो है ना ये किसी जिन का साया है और कोई शख्स इसको मार रहा होता था, कोई पीट रहा होता था, किसी ने कहीं से पकड़ा, कहीं से पकड़ा होता था। लेकिन साइंस ने आके जो डिफरेंट डिजीज़ हैं उनको डायग्नोज किया और कहा कि ये आपकी माइंड के मतलब बीमारी है, या आपकी फिज़िकल के मतलब ये फलां बीमारी है। ऐसी जो काजेज़ हैं ये इसकी कोई वजह है होने की, ठीक है, ये कोई जिन, कोई साया, कोई भूत वगैरह नहीं है इसके अंदर, बल्कि ये कोई बीमारी है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। हमारे जो फोर फादर्स थे, ठीक है, आप उनकी सोच समझ सकते थे कि वो किसी भी वाक्य के बारे में क्या सोच सकते थे। लोग पहले समझते थे कि अगर मैं कोई तवीज़ पहन लूँगा, ठीक है, तो मैं बीमारियों से महफूज रहूँगा। लोग लकी नंबर से बिलीव करते थे, ठीक है, कि मेरा लकी नंबर फलां ये है, मेरा लकी नंबर ये है, ठीक है। अगर काली बिल्ली जो रास्ता आपका काट जाए तो यार ये मेरा काम नहीं होगा, कोई मनहूस बंदा मेरे सामने आ जाएगा तो मेरा ये काम नहीं होगा, ठीक है। तो अगर शीशा टूट गया है, ब्रोकन मिरर होते हैं, तो ये भी जो है ना ये जी आने वाले ख़तरे की अलामत है। तो ये सुपरस्टिशियस बिलीव की इसके अंदर वो बात करता है। लेकिन कहता है आज साइंस विद यूजिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, साइंस ने हमारे माइंड की जो थिंकिंग है वो चेंज कर दी है। इंसान की लाइफ के ऊपर, इंसान की जो मेंटल कैपेसिटी है, मेंटल कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर कोई लकी नंबर असंदाज नहीं हो सकता। बिल्ली रास्ता जो काटती है, इसका इंसान की किस्मत के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, ठीक है। कोई जो टूटा हुआ शीशा है वो इंसान की लाइफ के लिए डेंजर नहीं होता, ठीक है। हर हैपनिंग की कोई रीज़न होती है, कोई वजह होती है, ये साइंस ने हमें आके बताया। तो आज की जो थिंकिंग एबिलिटी है, थिंकिंग लेवल है इंसान का, वो चेंज हो चुका है। इन सुपरस्टिशियस जो थाट्स हैं, इंसान ने उससे छुटकारा पा लिया है और इंसान आज लॉजिक से सोचता है, और ठीक है कि हर चीज़ की जो मतलब उसकी मतलब कसौटी है साइंस की, वाई, क्यों, कैसे, ये इंसान के अंदर, आज का इंसान रीज़नेबल लॉजिक के साथ जो है ना वो सोचता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेसन। सुपरस्टिशियस बिलीफ के ऊपर मैंने छोटा सा नोट बनाया, वो पढ़ते हैं। सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट देयर इज नो साउंड बेसिस फॉर देम। फ्यू पीपल टुडे बिलीव दैट डिजीज आर कॉज्ड बाय इवल स्पिरिट्स दो एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग, यानी कि सितारों का इलम जो होता है और जो फॉर्चून टेलिंग है आने वाले वक्त के बारे में पेशेंट को ही करना, आर स्टिल प्रैक्टिस्ड, आज भी आप देखते हैं लोग प्रैक्टिस करते हैं इसके बारे में। लोगों ने फुटपाथ के ऊपर अपने फट्टे लगाए होते हैं, ठीक है, और अंगूठियाँ बता रहे होते हैं कि ये पत्थर आपकी लाइफ के ऊपर किस कदर आपकी किस्मत चेंज कर देगा। तोते फालना में लगा रहे होते हैं।
they do not influence the lives of the many people as they once did. The discoveries of scientists have helped people develop an attitude of open-mindedness. यानी कि साइंटिस्ट की जो डिस्कवरीज हैं, साइंस की दरियाफ्त की जो वजह साइंस की दरियाफ्त की वजह से इंसान के जो माइंड सेट है वो चेंज हो चुका है. दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ देन द अज्यूम दैट वट हैज़ बिन कंसिडर्ड ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू. यानी कि वो नई डिस्कवरीज में लग गए हैं, यानी कि वहाँ पर रुक गए हैं. तो बच्चों ये था सारा इस लेसन का इंट्रोडक्शन जो इसको मैंने समराइज़ किया. तो अब इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, जो मुख्तलिफ बोर्ड्स में भी रिपीट हो चुके हैं और आपकी बुक की एक्सरसाइज में भी हैं. तो पहला क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मैथड हेल्प अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़. कि साइंटिफिक मैथड ने किस कदर हमारी जो मदद की मुख्तलिफ बीमारियों के साथ लड़ने की. द आंसर इज द साइंटिफिक मैथड हैज़ हेल्प अस इन नोइंग द काजेज ऑफ डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन. इट ऑल्सो एनेबल्ड अस टू मेक लाइफ सेविंग ड्रग्स. यानी कि साइंस ने बताया कि ये बीमारियाँ जो हैं इनकी होने की वजह क्या है और इनसे बचा कैसे जा सकता है और जो ड्रग्स हैं हमने वो कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे हमने मेडिसिन लेनी है इससे बचाव के लिए. क्वेश्चन नंबर टू, बच्चों राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर सिटीज टुडे एंड कंपेयर देम विद व्हाट वर लाइक 100 ईयर्स अगो. यानी कि सैनिटरी कंडीशंस की सैनिटरी कंडीशंस जो है ना उसके ऊपर नोट लिखना है और कंपेयर कंट्रास्ट करना है पहले वाली लाइफ के बारे में जो सैनिटरी सिस्टम था उसका और आज के सैनिटरी सिस्टम का. सॉरी बच्चों, तो आंसर इसका ये है, टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन. गलियां हमारी पक्की हैं, ढकी हुई हैं और उनका निकास बड़ा अच्छा है. दे आर क्लीन रेगुलरली, उनको रोज़ाना साफ किया जाता है. गार्बेज एंड वेसीवेज इज डिस्पोज प्रॉपरली, और गंदा जो पानी है जो कूड़ा क्रिकेट है उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज किया जाता है. 100 ईयर्स अगो, लेकिन 100 साल पहले की अगर हम बात करें तो वो कहता है द स्ट्रीट्स वर अनपेव्ड, कच्ची थी नालियाँ एंड पुअरली ड्रेन्ड, उनका निकास बड़ा गंदा था, बड़ा खस्ता हाल था. हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज वर थ्रोन इन द स्ट्रीट्स. जो दूसरा कूड़ा क्रिकेट होता, वो जो दूसरा जो गंद होता वो सारा का सारा लोग गलियों में फेंकते थे. सो टुडे सैनिटरी कंडीशंस आर फार बेटर देन 100 ईयर्स अगो, लेकिन आज का जो सिस्टम है सैनिटरी सिस्टम जो है वो 100 साल पहले वाले सिस्टम से कई गुना बेहतर है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर सैनिटरी कंडीशंस लाइक आवर विलेज टुडे एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव देम. तो आंसर इज दैट टुडे आवर विलेजेस आर पुअरली ड्रेन्ड, आउटडोर टॉयलेट्स आर कॉमन एंड स्ट्रीट्स आर अनपेव्ड. वी कुड इम्प्रूव देम बाय अवेयरिंग पीपल अबाउट बेटर सैनिटेशन एंड इट्स पॉजिटिव इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ. क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ इज साइंटिफिक मैथड हेल्प अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. कि साइंटिफिक मैथड्स ने हमारे जो खुराक है हमारी उसको कैसे अच्छे तरीके से और बेहतर अंदाज में और ज़्यादा कैसे जो है ना उसकी पैदावार को बढ़ाया और इसको हमने महफूज कैसे किया साइंटिफिक मैथड से. तो इसका आंसर ये है, थ्रू साइंटिफिक मैथड्स वी गेट मोर प्रोडक्शन ऑफ फूड. मॉडर्न मैथड्स ऑफ सेलेक्टिंग ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग हैव हेल्प अस अ लॉट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. यानी कि हमने मॉडर्न जो वेज थे उनको अपनाया, ग्रेडिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग सिस्टम, डिहाइड्रेशन सिस्टम, कैनिंग सिस्टम. तो इस वजह से हमने जो है ना खाने को बेहतर भी किया और इसको हमने प्रिजर्व भी किया. क्वेश्चन नंबर फाइव, वी आर लेस फियरफुल देन आवर एंसेस्टर्स. वट वर आवर एंसेस्टर अफ्रेड ऑफ. यानी कि हम अपने आबाओजदाद से कम खौफजदा हैं. हमारे जो आबाओजदाद थे, हमारे जो बड़े थे, वो किस चीज़ से इतने खौफजदा थे. सो आंसर, वी आर लेस फियरफुल देन आवर एंसेस्टर्स बिकॉज वी हैव लेफ्ट हैविंग सुपरस्टिशंस. आवर एंसेस्टर्स वर अफ्रेड ऑफ
ब्लैक एयर्स, ब्रोकन मिरर्स एंड नंबर 13। तो जो हमारे जो एंसेस्टर से, फोर फादर्स से, वो अपने सुपरस्टिशियस बिलीफ की वजह से जो है ना ज़्यादा खौफ ज़्यादा थे, लेकिन आज का जो इंसान है हम इतने खौफ ज़्यादा नहीं हैं। क्यों? कि साइंस ने एक चीज़ इंसान को दे दी है, वो है लॉजिक, रीज़न। कि हर चीज़ की जो हैपनिंग है वो किसी लॉजिक, किसी रीज़न के तहत होती है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड एनेबल्ड अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स? द आंसर इज दैट साइंटिफिक मेथड हैज़ मेड अस रीजनेबल। नो वी नो देर इज नो साउंड रीजन बिहाइंड एवरी हैपनिंग इन दिस वे द साइंटिफिक मेथड हैज़ एनेबल्ड अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स। क्वेश्चन नंबर 7, What part did astrology play in the lives of men and women in the past? Give example. यानी कि इंसान की ज़िंदगी में astrology का जो इलम है किस हद तक उसने इंसान की लाइफ को इफेक्ट किया? In this answer, in the past, astrology played important role in the lives of men and women. People used to consult astrologists before marriages and other important matters of life. यानी कि question number 8. Describe some of the superstitions still current in our country. How do they affect the lives of those who believe in them? Answer is that still some people believe in wearing charms and other superstitions like them. They affect the lives of those according to beliefs. यानी कि लोग अभी भी समझते हैं कि यानी कि अभी भी वो superstitions believe हैं और लोग समझते हैं कि तवीज़ पहनने से उनकी ज़िंदगियाँ काफ़ी हद तक मुतासर हो सकती हैं, यानी कि उनको फ़ायदा पहुँचा सकती हैं, इनकी बिलीव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ मेंट बाय सुपरस्टिशंस? यानी कि तोहम प्रस्ती का मतलब क्या है? आंसर, फीलिंग्स विच इन्वॉल्व फियर्स आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस। ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर्स एंड नंबर 13 आर सम कॉमन सुपरस्टिशंस। यानी कि जिस फीलिंग्स में खौफ पाया जाता हो किसी चीज़ की वजह से, ठीक है, तो वो जो बिलीव्स कहलाते हैं, सुपरस्टिशियस बिलीव कहलाते हैं। नीचे उसने एग्जांपल भी दी है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ साइंटिफिक मेथड हैज़ इम्प्रूव्ड आवर वेज ऑफ लाइफ? तो साइंटिफिक मेथड्स ने किस हद तक हमारी लाइफ को जो है ना इम्प्रूव किया है? तो हमने इसको ऊपर काफ़ी डिस्कस कर लिया। साइंटिफिक मेथड हैज़ इम्प्रूव्ड आवर वेज ऑफ लाइफ बाय सॉल्विंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, by increasing production and preservation of food, and by bringing positive changes in our attitude. Next question है, what do we mean by word attitude? Attitude से क्या मुराद है? By attitude we mean the way we feel and think towards an idea or an event. हमारी सोच क्या है? तो ये बच्चों मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ साथ जो एडिशनल क्वेश्चन से जो बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं मैंने वो भी डिस्कस किया आपके साथ। अब जो इम्पोर्टेंट जो सिनोनम्स है, हमारा लेक्चर का जो आखिरी हिस्सा है, इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनके सिनोनम्स देखेंगे। सबसे पहले वर्ड है बेनिफिटेड, प्रॉफिटेड, सर्वड, क्रिटिकल, एनालिटिकल, केयरफुल, थाटफुल, थ्रिफ्टी, केयरफुल इन यूज, माइजर, कफायशवार, वैरायटी, डिफरेंट टाइप्स, अनसर्टेन, इनडेफिनेट, अनबिलीवेबल, गार्बेज, फूड वेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेटेड, एक्सप्रेस्ड, प्रूव्ड, स्पेरिंगली, इकोनॉमिकली, ओवरकम, डोमिनेटेड, ओवरपावर, कंट्रोल, एक्वाडक्ट, पाइपलाइन, टनल, चैनल, कंसिडरेबल, ग्रेट, लेयर, स्पेयर, फ्री टाइम, पेव्ड, मेटल्ड, लाइकली, प्रोबेबली, गालबन, अज्यूम, थिंक, सपोज, कंक्लूजन, रिजल्ट, आउटकम, विलिंग, रेडी, प्रिपेयर, सुपरस्टिशियस, फियरफुल आइडियाज, विम्स, फॉल्स बिलीफ, चार्म, तावीज़, साइन, ऑर्नामेंट, मैजिक फार्मूला, न्यूट्रिशियस, हेल्थी,
dehydration, drying, removal of water, preserved, conserved, frozen, mehfooz karna, remarkable, significant, great, important, sanitation, cleanliness, hygiene, sewage, polluted water, drainage, ancestors, forefathers, above ajdaad, astrology, knowledge of heavenly bodies. तो बच्चों आज का ये हमारा लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको लेसन का इंट्रोडक्शन दिया, राइटर्स का इंट्रोडक्शन दिया, इसके जो डिफरेंट थ्री या फोर लेवल से मैंने इसको समराइज़ किया, फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मैंने उसको मतलब आपके साथ डिस्कस किया, और एंड पे मैंने आपके साथ जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो डिस्कस किए। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आपकी सजेशंस, आपके सवाल आप नीचे कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा आपके आंसर दे सकूँ। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।